हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई है स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है और आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे कि किस तरह से इसका थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर क्लीन किया जाता है। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, आज से पहले आप सभी ने देखा होगा कि कंप्लीट सर्विस बाइक का किस तरह से किया जाता है, बट आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके थ्रोटल बॉडी को, इसके इंजेक्टर को और कंप्लीट सेंसर्स और एक्चुएटर को कैसे क्लीन किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस, पिकअप और जो है मिसिंग वगैरह का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और क्या इससे क्लीनिंग के लिए क्या हम किरोसिन, डीजल या फिर पेट्रोल का उपयोग करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताते चलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से इसके थ्रोटल बॉडी को क्लीन किया जाता है। तो अगर आप सभी मैकेनिक भाइयों को फुल सर्विस का वीडियो चाहिए, देखिए मेरे पास सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, चेन ल्यूब, ऑयल और कंप्लीट सारे कनेक्टिविटी टेस्टर वगैरह। और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, इस जगह पे देखें, SE Nova का थ्रोटल बॉडी क्लीनर। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, इसी से कंप्लीट इसके थ्रोटल बॉडी को और इंजेक्टर को क्लीन करेंगे। क्या है प्रोसेस, कैसे यूज करना है परफेक्ट रिजल्ट के लिए, चलिए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसके थ्रोटल बॉडी को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसके टूल बॉक्स को यहां से निकाल के साइड करेंगे ताकि हमारा थ्रोटल बॉडी जो है वो इजीली ओपन हो जाए। तो चलिए इस वाले स्क्रू को ओपन करते हैं और उसके बाद कंप्लीट इसके सेटअप को आपको दिखाते हैं कैसे निकाल के इसको क्लीन किया जाता है। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके टूल बॉक्स को भी ओपन कर दिए, फ्यूल सप्लाई वाले लाइन को भी कट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसके एक यहाँ पे जो सेंसर यूनिट लगा हुआ है इसके वायरिंग कनेक्शन को हटा देंगे और साथ ही साथ इसके ऊपरीले एक्चुएटर का भी वायरिंग कनेक्शन हटा देंगे और दोनों सेंसर को भी ओपन करेंगे। ये हमारा कंप्लीट सेंसर यूनिट है, यानी TPA सेंसर, IAT सेंसर और मैप सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है और यहाँ पे स्टार्टर सोलेनोइड या फिर ISCV बोल सकते हैं इसको, तो दोनों को हम ओपन करेंगे। तो चलिए एक फोरहेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी काफी ज्यादा रस्ट पार्टिकल, ब्लैक कंपोनेंट वगैरह रहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, थ्रोटल बॉडी क्लीनर के स्प्रे की मदद से कंप्लीट क्लीन करेंगे। और याद रखें, पेट्रोल, किरोसिन नहीं, डीजल किसी चीज का भी उपयोग नहीं करना है ताकि ओरिंग वगैरह खराब होने से बच सके। तो ये दो स्क्रू और ये दो स्क्रू, चलिए ओपन करते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग हमारे मैकेनिक भाइयों को थोड़ा सा आसानी होगा क्योंकि पहले जो सभी में स्क्रू वगैरह लगा था तो वो स्टार एल की बोल्ट लगा होता था जिसके लिए स्पेशल टूल होना बहुत ही जरूरत वाली चीज थी। बिना टूल के आप जो स्पेशल टूल के ओपन नहीं कर सकते थे, बट अब जो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर सकते हैं। और ये खास तौर पर हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों के लिए है, आने वाले समय में इन सभी चीजों को उसको जो आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसका स्टार्टर सोलेनोइड है और इसके अंदर ओरिंग होते हैं इस तरह से ब्लैक कलर का। तो चलिए इसे हम रख लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस ओपन करते हैं। तो स्टार्टर सोलेनोइड को ओपन कर दिया, अब हमें जो इसका सेंसर यूनिट है इसे ओपन करना है। तो दोनों सेंसर यूनिट को ओपन करेंगे और कहाँ कहाँ खास ध्यान रखना है वो आपको बताते चलेंगे। तो ये इसका कंप्लीट सेंसर यूनिट और इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, अगर देखें तो रस्ट पार्टिकल ये देखिए, तो इस चीज की क्लीनिंग करेंगे। ये ओरिंग है और ये जो हमारा थ्रोटल स्लाइड से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे इसका TPS सेंसर लगा होता है और ये चीज जो है ये हिस्सा जुड़ा होता है इसके थ्रोटल के साथ। ये देखिए, जैसे जैसे इसके अंदर वर्किंग होता है उसी हिसाब से हमारा जो है सेंसर डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे हम ओपन कर लेंगे और कंप्लीट थ्रोटल बॉडी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया है, अब यहाँ पे जो 2 8mm के बोल्ट है इसे ही ओपन करेंगे ताकि हमारा इंजेक्टर भी साथ ही साथ निकल आए। चलिए राइट साइड से आपको दिखाते हैं कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका थ्रोटल केबल, इसे हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 10mm का जो नट है इसे ओपन करना पड़ेगा और ये प्ले, फ्री प्ले देख लें कितना है, फिर इसी हिसाब से हमें फिटमेंट करना है। तो इस केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे जो 8mm बोल्ट है इसे ओपन करके डायरेक्ट बाहर लेते हैं। तो थ्रोटल बॉडी को यहाँ से रिमूव कर दें और इसका कंडीशन देखें। ये देखिए, ये जो छिड़काव वाला एरिया जहाँ पे इंजेक्टर छिड़काव करता है, देखिए कितना ज्यादा जो है इसके अंदर कार्बन जमा हुआ, ये देखिए डस्ट पार्टिकल। तो इस चीज को हम क्लीनिंग करेंगे और साथ ही साथ अगर थ्रोटल बॉडी वाला एरिया दिखाया जाए तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन बना हुआ, एकदम ब्लैक पड़ा हुआ है। तो इस चीज की भी हम क्लीनिंग करेंगे, इंजेक्टर को अभी हम ओपन नहीं किए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो 2 8mm के बोल्ट हैं, एक इस साइड पे और दूसरे इसके अपोजिट साइड पे, चलिए दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। तो इसके बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा, दो जो
8mm के बोल्ट होते हैं जो थ्रोटल बॉडी को फ्लेंज से जोड़ता है उसका, और इन सभी में कुछ भी अगर आपका पार्ट्स टूट गया हो और समझ में नहीं आ रहा हो कि पार्ट नंबर क्या है, तो आप वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सभी का पार्ट्स नंबर मिल जाएगा कौन सा पार्ट नंबर किसका है। तो ये इसका थ्रोटल बॉडी वाला एरिया है और ये कंडीशन देखिए इसका। तो चलिए देखते हैं कितना कारगर साबित होता है इसका जब हम इसके अंदर स्प्रे का उपयोग करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा ये क्लीनिंग कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहले इसके ओरिंग को यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि ये फैले ना यहाँ से। तो ये स्प्लेंडर BS6 का थ्रोटल बॉडी है, इसे आप हर दिशा से देख लीजिए, कुछ इस टाइप से दिखता है। अब चलिए इसकी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। जी बहुत कारगर साबित है, देखें इसके अंदर जितने भी ये जो ब्लैक डस्ट बने थे सब कंप्लीट यहां से रिमूव हो जा रहा है। इसे जो है थर्ड सर्विस में जरूर से जरूर करें या फोर्थ फिफ्थ, जब भी सर्विस के लिए आए पहला दूसरा सर्विस छोड़ के उसके बाद से जो है इसकी क्लीनिंग एकदम बहुत ही जरूरी है सारे सेंसर से रहती है। और प्रोडक्ट आप देख लें, ये जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसे खरीद सकते हैं, थ्रोटल बॉडी क्लीनर के नाम से मिल जाता है। ये देखिए, तो अभी आपने लाइव प्रूफ देखा इसके अंदर कितने ज्यादा जो है बन गया था डस्ट, और इसको देखिए यहाँ पे क्लीन करने के लिए ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो ये मैकेनिक भाई के लिए जो है बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है। अब चलिए एक जो कॉटन का हम कपड़ा लेते हैं और सारी चीजों को सफाई करते हैं, और फिटिंग के दौरान ओरिंग वगैरह कैसे ध्यान में रखना है, और इंजेक्टर की अभी क्लीनिंग नहीं की है क्योंकि इंजेक्टर को क्लीनिंग करने के दौरान इसके अंदर हमें जो 12 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो चीज भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसे हम पूरी तरह से साफ करते हैं फिर फिटमेंट का तरीका बताते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए कितना ज्यादा कार्बन पार्टिकल पड़ा हुआ। अब आपको दिखा देते हैं, एक जरा सा स्प्रे को उपयोग करेंगे, ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, तो बेटर प्रोडक्ट है। अब चलिए इसकी हम प्रोसेस क्लीनिंग करके और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। ये इसका इंजेक्टर वाला एरिया और पूरी की पूरी तरह से इसकी मैंने क्लीनिंग कर लिया है, और अब इसके जो है सेंसर्स और एक्चुएटर से इसके अंदर भी थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं ताकि आने वाले समय में इसका जो है परफॉर्मेंस खराब ना हो। और इससे आपके जो है ओरिंग्स वगैरह में या फिर कंप्लीट जो है कोई भी चीजों में इफेक्ट होने वाला है ही नहीं। अब चलिए इसका फिटिंग का परफेक्ट तरीका बताते हैं कैसे कैसे इसको फिटिंग किया जाता है सारे ओरिंग को इकट्ठा करके। चलिए फिटिंग का प्रोसेस बताते चलते हैं। तो क्लीनिंग एकदम परफेक्टली तरीके से कर दिए हैं। अब क्या है कि यहाँ पे एक ओरिंग होता है, तो इस ओरिंग को यहाँ पे फिटिंग करेंगे, और इसमें यहाँ पे भी लॉक होता है और यहाँ पे भी लॉक होता है। कंप्लीट आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों के लिए ये सारे स्टेप हैं, जो कि सर्विस सेंटर में जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है क्लीनिंग का, तो ये आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों के लिए है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, ओरिंग का फिटमेंट कर लिया। अब इसके जो ये थ्रोटल बॉडी को फ्लेंज से जोड़ता है उस वाले फ्लेंज को यहाँ पे हम असेंबल करेंगे, तो कुछ इस टाइप से ये परफेक्ट बैठ जाएगा। ये देखिए परफेक्ट बैठ गया। अब इसका क्या है कि जो दो 8mm का बोल्ट है, चलिए उस बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं जो इसके बैक साइड से टाइट होगा यहाँ से। तो इसके दो बैक साइड में जो बोल्ट है, और कोशिश करें ध्यान रखें कि ओरिंग परफेक्ट तरीके से बैठ जाना चाहिए। तो दो बोल्ट को जो 8mm का है इसको फुल्ली टाइट कर देते हैं, क्योंकि ईयर कहीं से नहीं लेना चाहिए। तो इसे हम एक नॉर्मल टूल के मदद से टाइट कर लेते हैं फुल। तो ये टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंसर्स यूनिट को टाइट करेंगे। तो ये सेंसर यूनिट का एक ओरिंग होता है, इसको भी यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। और यही चीज़ अगर हम पेट्रोल से क्लीनिंग किया होते ना, तो क्या होता कि ये फैल जाता पूरा। अब ये सेंसर यूनिट का जो ये पोर्शन है इसको इस वाले हॉल में लगा देंगे।
तो TPS यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर में जो बोल्ट ये स्क्रू होता है ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और बाकी जो हमारा आइडल कंट्रोल वाल्व का जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रू होता है। तो चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेते हैं। ओरिंग वगैरह जहाँ जहाँ बताएं वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हमें जो है इसके आइडल कंट्रोल वाल्व को इसका जो है फिटिंग करना है, तो सबसे पहले एक ओरिंग यहाँ पे डालना है, इस जगह पे ओरिंग यहाँ पे डाल दिए। अब इसके इस जगह पे बूश होता है, तो इस ISCV में यहाँ पे ओरिंग डालेंगे, उसके बाद एक स्प्रिंग जाएगा इस जगह पे, और उसके बाद एक निडिल जिससे हमारा कंप्लीट थर्मल सेंसर डिटेक्ट करके बताता है कि कब कितना इसका जो है ये सोलेनोइड खुलना चाहिए, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी फिटिंग करते हैं। तो ये थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर पूरी तरह से क्लीन होके रेडी हो चुका है। अब इसको असेंबल करते हैं और डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और ये भी आपको साथ ही साथ दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में मीटर में जो है चेक लाइट जलता है या नहीं। तो चलिए इसको डायरेक्ट असेंबल कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ओपन करना है बस उसी तरह से इसको फिटिंग करना है। इसके थ्रोटल बॉडी को असेंबल करने के बाद सारे पाइपलाइन के कनेक्शन और वायरिंग कनेक्शन कर दिए हैं। अब क्या है कि इग्निशन को 3 या 5 बार ऑन ऑफ कर लेंगे ताकि फ्यूल जो है प्रॉपर तरीके से इसके पाइपलाइन में पहुंच जाए, और कंप्लीट अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी हमारी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है। एयर फिल्टर को ओपन करके रखे हैं क्योंकि इसकी सर्विस की वीडियो बहुत जल्द आएगी। अब थ्रोटल खींचते हैं। तो कोई भी गाड़ी में मिसिंग नहीं है, परफेक्ट है हमारी गाड़ी। तो अब चेक लाइट देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी में चेक लाइट है या नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे जला इसका MIL लाइट। अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चला गया, यानी सारी चीजें जो परफेक्टली तरीके से असेंबल हो चुके हैं, परफेक्टली तरीके से रन हो रही है, कोई भी गाड़ी में इशू नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जब भी आपको थ्रोटल बॉडी की क्लीनिंग करना हो, इंजेक्टर की क्लीनिंग करना हो, तो इस वाले ये जो क्लीनर है इसको आप जरूर अपने साथ रखें, और ये आने वाले समय में बहुत ही काम का है, या फिर कोई भी आप थ्रोटल बॉडी क्लीनर जो है उपयोग में ला सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।